खबर है डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आज ताबड़तोड़ दौरे, सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। जयपुर से आज हम सब लोग हमारे जीवन में इस दिन को हमको देखने का ये गर्व प्राप्त हुआ, तो ये बहुत ही शुभ अवसर है और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग आज इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आपको मैं पूरे आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और आज इस आयोजन के लिए भी सभी आयोजनकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज एक और खुशखबरी है कि वीके आई की और जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की 12 सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है। इसकी स्वीकृति हो चुकी है और क्योंकि मैं जब यहाँ पर चुनाव के समय आई, मैंने आप लोगों को ये कहा कि इतनी टूटी हुई सड़कें तो मैंने राजसमंद या माधोपुर में भी नहीं देखी जितनी आप लोगों के यहाँ पर है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि सबसे पहले ये जो रिको वाली सड़कें हैं उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए और रिपेयरिंग क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी, जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं, वैसे कि यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन आप लोग भी वहाँ पर आते जाते रहते हैं, इस पर ध्यान दें कि कोई भी सड़क रह गई हो तो मुझे बताएं और अगर किसी भी सड़क का काम गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, क्योंकि अब जो काम होगा वो वैसे ही होगा। अब जो ये सरकार आई है ये आप लोगों के काम करने के लिए सरकार आई है। अभी हमारी पानी की टंकियों का भी बहुत अच्छा काम हुआ, शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। अभी जो 5 टंकियां रह गई हैं उसका भी 9 तारीख के बाद कार्यक्रम करेंगे, वो भी हो जाएगा। पानी का भराव वाली जो समस्या है, मैं अभी उस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। उसका भी बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर जारी होने वाला है, उसकी DPR बन चुकी है, वो भी काम हम लोग शुरू करेंगे। बाकी 1-2 काम और हैं, 5 साल दिए आप लोगों ने, कोशिश तो यही करूंगी 1-2 साल के अंदर अंदर ये काम हो। हाँ, बीसलपुर का जो भी है बिल्कुल, वो तो बहुत ही काम हुआ है, ये तो ऐतिहासिक सारे काम हुए हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो क्योंकि अभी अभी 1 महीना होने वाला है हमारी सरकार को बने हुए, कम से कम समय थोड़ा सा मिल जाए भी, पर 1 महीने में भी टंकियां हो गई, पानी की लाइन बिछ रही है, ये रोडों का काम शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ अपना वो हो जाएगा। बीच में आचार संहिता के थोड़ा सा ये आ जाएगा आपने, क्योंकि 3-4 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव की वजह से लगेगी, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा अश्योर करना चाहती हूँ कि यहाँ काम में कोई कमी नहीं आएगी। डिपार्टमेंट्स है मेरे पास, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बजट भी आने वाला है, उसकी जिम्मेदारी भी है, उसके बाद तो दौड़ेगा काम। और आचार संहिता लोकसभा चुनाव के बाद तो डबल इंजन की पूरी तरह से रेडी सरकार होगी, फिर कोई कमी नहीं आएगी कि यहाँ के विकास में कोई कमी आए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनेगी। केंद्र में तो इस बार 400 पार होने वाला है, हम सब जानते हैं। इस बार पूरी तरह से हम लोग जुट के इस कार्य में लगेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो चुका है लेकिन राम राज्य और मजबूत हो, और ताकि सब लोग एक साथ मिलकर नीचे से लेके ऊपर तक कड़ी से कड़ी जोड़कर काम करें। तो आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सबको, कार्यकर्ताओं को, सभी को धन्यवाद देती हूँ। उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने वादा किया है कि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को सुना जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा, ये वो सरकार है जो कार्य करेगी, छोटे हो बड़े हो, आपकी किसी भी तरह की समस्या हो उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। उनके ताबड़तोड़ दौरे आज रहे हैं, दिया कुमारी के जन्मदिन था इससे पहले, जन्मदिन पर कई कार्यक्रम रहे और आज ताबड़तोड़ दौरे जयपुर में दिया कुमारी के। निशक्त जन बुजुर्ग करेंगे अयोध्या यात्रा और इसको लेकर अब कार्य किया जा रहा है, बस भी शुरू कर दी गई है, जयपुर से ये बस शुरू की गई है, रोडवेज की ये बस व्यवस्था की गई है जो अयोध्या पर पहुंचाएगी, राम मंदिर दर्शन करवाएगी। और इसके अलावा तमाम और जो आज के कार्यक्रम रहे हैं दिया कुमारी के, और उसी तहत आज आमजन और क्षेत्रवासियों के बीच में भी पहुंची हैं और उनके बीच पहुंचकर उनको संबोधित किया, उनको आश्वस्त किया कि आपकी हर समस्या को मैं सुनूंगी, हमारी सरकार सुनेगी, मेरे क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, चाहे वो जल से जुड़ी हो, पानी से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या,
मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। ना सिर्फ दिया कुमारी बल्कि सीएम भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवाल, डिप्टी सीएम, ये सभी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, और ये दौरे जो जनता है उसमें ये विश्वास कायम करने के लिए कि जो सरकार आई है वो आपके हित के लिए आई है, जनता की सेवा के लिए आई है। और इसी कड़ी में दिया कुमारी भी आज दौरे कर रही हैं, मंदिर में पूजा अर्चना भी की, शिवजी के मंदिर पहुंची, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, वहां पर पूजा अर्चना की, और उसके बाद ताबड़तोड़ उनके दौरे, जहां पहुंची तो लोगों ने भी, आमजन ने भी उनका स्वागत